ओके यार, जैसे कि आप सभी को पता है कि भाई वीवो ने अपनी वीवो के S16 सीरीज को लॉन्च कर दिया भाई चाइना में, जिसमें हमें तीन स्मार्टफोन देखने को मिलते भाई, वीवो S16, वीवो S16 प्रो एंड वीवो S16e 5G। अब हमने वीवो S16 एंड वीवो S16 प्रो 5G के गेमिंग रिव्यू के बारे में ऑलरेडी डिस्कस किया है। अगर आप उन दोनों ही फोन में इंटरेस्टेड हो तो आप मेरी उन दोनों वीडियोज को डेफिनेटली चेकआउट कर सकते हो, उनका लिंक आपको ऊपर आए बटन में या फिर इस वीडियो के लास्ट में डेफिनेटली देखने को मिल जाएगा। बट यार आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले भाई इस सीरीज में आने वाले सबसे छोटे भाई यानी कि वीवो S16e 5G के गेमिंग रिव्यू के बारे में, जानेंगे कि भाई ये फोन गेमिंग में कैसा होने वाला है और इस फोन को आपको गेमिंग लिए कंसीडर करना भी चाहिए नहीं, क्योंकि यार वीवो की S16 सीरीज हमारे इंडिया में डेफिनेटली लॉन्च होने वाली है इन स्मार्टफोन के साथ में। हो सकता है कि किसी अदर नाम से भी लॉन्च होते हुए दिखाई दे जाए, पर ये लॉन्च डेफिनेटली होने वाली है। तो भाई जानना तो ये इंटरेस्टिंग सा बन जाता है कि वीवो S16e 5G आखिर ये फोन गेमिंग में कैसा होने वाला है, और जब भी फोन हमारे इंडिया में लॉन्च होगा तो आपको इस फोन को गेमिंग के लिए कंसिडर करना भी चाहिए नहीं। बेसिकली आज की वीडियो में हम इस फोन के बारे में सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे, इसके प्राइस से लेकर इसके जायरोस्कोप एंड इसकी हीटिंग एंड इसकी परफॉर्मेंस के बारे में भी। इसलिए हमारी वीडियो भाई बहुत ज़्यादा खास होने वाली, तो इस वीडियो को कर देना भाई अभी से एक लाइक। बाकी चलो भाई टाइम वेस्ट नहीं करते और हमारी आज की अमेजिंग वीडियो को शुरू करते हैं। ओके तरह बात करते हैं भाई वीवो S16e 5G के लुक एंड अपीयरेंस के बारे में, इसके बिल्ड एंड फिनिशिंग के बारे में, इसके डिस्प्ले के फीचर्स के बारे में, कुछ स्पेसिफिकेशन के बारे में, इसकी परफॉर्मेंस के बारे में भी। तो देखा रहे आपको इसके बैक पैनल में भाई तीन कैमरास की ऑप्शन देखने को मिल जाती है, तीन सर्कल में LED लाइट के लिए एक सेपरेट सर्कल भी यहाँ पे दिया गया है। फ्रंट में आपको सेंटर पंच होल डिस्प्ले देखने को मिलता है विद फ्लैट एजेस के साथ में। लुक एंड अपीयरेंस के मामले में ये स्मार्टफोन आपको बिल्कुल भी डिसपॉइंट नहीं करता है, एंड वीवो के फोन जनरली गुड लुकिंग ही निकल के आते, तो आपको ये फोन लुक एंड अपीयरेंस के मामले में तो बिल्कुल भी डिसपॉइंट नहीं करने वाला है। बात करते हैं बस फोन के डिस्प्ले के बारे में, तो यहाँ पे आपको 6.62 इंचेस के साथ में आने वाला एक 120 के रिफ्रेशिंग रेट वाला एक FHD+E4 OLED डिस्प्ले विद 360Hz सैम्पलिंग रेट के साथ में 1200Hz का इंस्टेंट सैम्पलिंग रेट भी देखने को मिल जाता है और 1300 nits की ब्राइटनेस पीक भी देखने को मिल जाती है। तो भाई डिस्प्ले के मामले में आपको इस फोन में कोई भी कॉम्प्रोमाइज देखने को नहीं मिलता है, काफी ज्यादा सॉलिड ऐप आपको डिस्प्ले देखने को मिल जाता है। LPDDR4X रैम देखने को मिलती है विद UFS 3.1 रोम के साथ में, कोई भी 3.5mm जैक देखने को नहीं मिलता है। लेकिन अच्छी बात यह कि आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिल जाता है। 4600mAh की बैटरी देखने को मिलती है विद 66W फास्ट चार्जर के साथ में, NFC का सपोर्ट देखने को मिलता है, एंड Android 13 का भी आपको सपोर्ट देखने को मिल जाता है। बट ये फोन परफॉर्मेंस में कैसा होने वाला है यही तो जानना इंटरेस्टिंग सा बन जाता है। पर इसी कारण से भाई हम इसमें टेस्ट करने वाले हैं भाई PUBG मोबाइल को, बेसिकली BGMI कॉइन दोनों में ही आपको जो बाय डिफॉल्ट में ग्राफिक जो देखने को मिल जाएगी वो देखने को मिल जाएगी भाई स्मूथ में। एक्सट्रीम जी आ गए से आपको बाय डिफॉल्ट अनलॉक देखने को मिलता है भाई स्मूथर एक्सट्रीम। और वही बात करते इस फोन के हाईएस्ट ग्राफिक्स के बारे में, तो यहाँ पे आपको बैलेंस में अल्ट्रा, HD में अल्ट्रा एंड HDR में भी आप इस फोन में अल्ट्रा ग्राफिक्स में गेमिंग कर पाओगे इस फोन के साथ में। तो दिखा रहे आपको अच्छी बात ये देखने को मिलती है कि आपको बाय डिफॉल्ट स्मूथर एक्सट्रीम यानी कि 60fps अनलॉक देखने को मिल जाता है। बट क्वेश्चन तो ये निकल के आता है कि इस फोन में आपको उस लाइक की परफॉर्मेंस भी देखने को मिलती भी है या नहीं। तो इसलिए हम लोग बात करते हैं भाई स्मूथर एक्सट्रीम के गेम प्ले के बारे में, TDM एंगल एंड सैनुक के बूट कैंप के बारे में। तो TDM में तो ये फोन आपको बिल्कुल भी डिसपॉइंट नहीं करता भाई, 55 से लेकर 60fps काफी इजीली मेंटेन कर पाता भाई TDM में। इरांगल की बात करते हैं तो इरांगल में जो स्मार्टफोन है वो काफी हद तक आपको 55 से लेकर 60fps तो मेंटेन करके देता है, बट क्लोज कॉम्बैट में कभी कभार जिसके FPS वो 51-52fps तक भी आ जाते हैं। और लॉन्ग टर्म की अगर आप गेमिंग करोगे तो भाई 48-49fps तक भी इसके FPS के ड्रॉप आ जाते हैं, बट मोस्टली ये फोन जो है वो 55 से लेकर 60fps मेंटेन करने की पूरी कोशिश करता है भाई इरांगल में। लेकिन बात करते हैं भाई एक्चुअल गेमिंग टेस्ट के बारे में यानी कि सैनुक के बूट कैंप के बारे में, क्योंकि हम सभी को पता है कि भाई वहां पे होता है असली टेस्ट, क्योंकि वहां पे बहुत सारे एनिमीज जो है वो एक साथ उतरते हैं और इसी कारण से वहां पे इंटेंस सिचुएशन जो है वो क्रिएट हो जाती है। और इस टाइम पे उतर बड़े बड़े फोन जो है वो फ्रेम के फ्लक्चुएशन कर देते, तो भाई क्वेश्चन तो निकल के आएगा कि क्या वीवो S16e 5G के बड़ा फोन भी सैनुक के बूट कैंप में फ्रेम के फ्लक्चुएशन करेगा या नहीं। तो देखा अगर आप इस फोन के सैनुक का बूट कैंप करोगे और जब आप प्ले से जंप करोगे तो उस टाइम पे तो वहां पे आपको अप टू 45-44fps तक का ड्रॉप देखने को मिल जाएगा, कभी बाद जिसके FPS वो 43-42fps भी टच कर जाते भाई जैसे ही आप लैंड जंप करोगे तो। लेकिन अच्छी बात है कि वो पलक झपकते ही फटक से रिकवर भी होना स्टार्ट हो जाते हैं और लैंड करते करते इसके जो FPS है वो लिटरली 45 से लेके 55fps के बीच में आना स्टार्ट हो जाते हैं। लेकिन सपोज भी जब आप लैंड कर चुके हो और आप बहुत सारे एनिमीज के सराउंडेड हो और अगर आपको क्लोज रेंज में फाइट करना पड़ रहा है भाई तो भी उस सेंटेंस भाषण में वीवो S16e 5G इसके जो FPS है आपको ऑल द टाइम 50 से लेकर 60fps के बीच में फ्लक्चुएट करते हुए तो दिखाई देने वाले हैं, और कभी कभी क्लोज कॉम्बैट में इसके जो FPS है वो 45-46fps तक भी आ जाते हैं। बट मोस्टली जो स्मार्टफोन है वो 50 से लेकर 60fps डेफिनेटली मेंटेन कर पाता है सैनुक के बूट कैंप में। परफॉर्मेंस इस फोन में आपको फिर भी काफी अच्छी देखने को मिल जाती है, हालांकि ऑल द टाइम कॉन्स्टेंट
भाई आपको 60 FPS देखने को तो नहीं मिलते हैं, फ्रेम ड्रॉप्स डेफिनेटली आपको देखने को मिलते हैं, बट ऐसा नहीं कि भाई प्लेएबल बिल्कुल भी नहीं है। 50+ FPS से डेफिनेटली मेंटेन कर पाते हैं मोस्ट ऑफ द केसेस में। बात करते हैं भाई इस फोन के जायरोस्कोप इसकी हीट मैनेजमेंट के बारे में, तो इस फोन में आपको देखने को मिलता है फिजिकल वाला जायरोस्कोप जिसमें आपको कोई भी डिले देखने को नहीं मिलता है, काफी ज्यादा स्मूथ आपको जायरोस्कोप देखने को मिल जाता है। हीटिंग की बात करते हैं तो जो स्मार्टफोन है वो थोड़ा हीट हो जाता है, अगर आप इस फोन में इवन 1.5 घंटे के ऊपर की गेमिंग भी कर लोगे तो इसका जो टेम्परेचर है वो 41-42 डिग्री सेल्सियस आने से टच कर जाता है 32 डिग्री एम्बिएंट टेम्परेचर पे। बाकी जो भी हो बात करते हैं कि भाई आखिर आपको इस लेवल की परफॉर्मेंस भाई किस स्पेसिफिकेशन एंड किस प्राइस सेगमेंट के बेसिस पे देखने को मिलने वाली है। बात करते हैं भाई Vivo S16e 5G इस स्मार्टफोन के भाई हम धमाकेदार स्पेसिफिकेशन फीचर्स एंड इसके प्राइस सेगमेंट के बारे में, तो यार अभी आप देख सकते हैं भाई इसके स्पेसिफिकेशन को, मैं इसे एकदम डिटेल में एक्सप्लेन करके आपका टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करूंगा। इसके डिस्प्ले के बारे में तो जैसे कि मैंने आपको बता ही दिया कि भाई वन ऑफ द टॉप नॉच लेवल का आपको डिस्प्ले देखने को मिलता है, LPDDR4X रैम देखने को मिलती है विद UFS 3.1 रोम के साथ में, कोई भी 3.5 mm जैक देखने को नहीं मिलता, लेकिन अच्छी बात है कि आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिल जाता है। लेकिन बुरी बात यह कि आपको डुअल स्टोरेज स्पीकर्स का सपोर्ट देखने को नहीं मिलता है, ओनली सिंगल बॉटम फायरिंग स्पीकर आपको देखने को मिल जाता है। तो भाई यहाँ पे Vivo गड़बड़ा गया है, Vivo ने कम से कम यहाँ पे डुअल स्टोरेज स्पीकर्स का सपोर्ट तो देना ही चाहिए था इस फोन में। बाकी यहाँ पे आपको 4600 mAh की बैटरी देखने को मिलती है 66 W फास्ट चार्जर के साथ में, NFC का सपोर्ट देखने को मिलता है, एंड्रॉइड 13 का भी आपको सपोर्ट देखने को मिल जाता है। लेकिन भाई बात करते हैं इस फोन के मोस्ट रेटेड पार्ट के बारे में जो कि निकल गया था इसका प्रोसेसर, तो गाइस इस फोन में आपको देखने को मिलता है सैमसंग के एक्सिनोस की तरफ से आने वाला भाई एक्सिनोस 1080 चिपसेट जो कि भाई 5nm की फैब्रिकेशन पे बेस्ड है, डुअल 5GB चिपसेट है। परफॉर्मेंस के बारे में बात करते हैं तो काफी ज्यादा पावरफुल तो ये निकल के आता है, काफी अच्छी खासी परफॉर्मेंस तो ये निकल के देता है, बट ये काफी ज्यादा पुराना चिपसेट हो चुका है एंड लॉन्ग टर्म की गेमिंग में थोड़ी आपको इश्यूज प्रोवाइड करके देता है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि भाई एक्सिनोस के चिपसेट जो निकल के आते हैं वो आपको इनिशियल स्टेज में तो काफी अच्छी परफॉर्मेंस निकाल के देते हैं, बट लॉन्ग टर्म की गेमिंग में वो आपको उतनी अप टू द मार्क वाली परफॉर्मेंस बिल्कुल भी निकल के नहीं देते, क्योंकि हम सभी को पता है कि भाई एक्सिनोस चिपसेट में जो CPU होता है वो तो काफी तगड़ा होता है, बट GPU के मामले में ही एक्सिनोस जो वो मात खा जाता है, और सेम केस आपको एक्सिनोस 1080 चिपसेट के साथ में भी देखने को मिलता है। यहाँ का भी CPU काफी तगड़ा निकल के आता है, लेकिन GPU के मामले में थोड़ा डाउनग्रेडेड चिपसेट निकल के आता है, आपको इनिशियल स्टेज में तो काफी अच्छी परफॉर्मेंस निकल के देगा, बट लॉन्ग टर्म की गेमिंग में आपको थोड़ी डेफिनेटली आपको फ्रेम ड्रॉप से आपको डेफिनेटली देखने को मिलने वाला है, बट कोई भी मेजर प्रॉब्लम आपको देखने को नहीं मिलेगी अगर आप कैजुअल गेमर हो। बात करते हैं इस फोन के प्राइस सेगमेंट के बारे में, तो चाइना में जो स्मार्टफोन है वो 3 वेरिएंट के साथ में लॉन्च हुआ है, 8GB 128GB, 8GB 256GB, 12GB 256GB। इसका जो बेस वेरिएंट निकल गया था कि 8GB 128GB वो चाइना में लॉन्च हुआ लगभग 24,800 रुपीस के प्राइस सेगमेंट में, हमारे इंडिया में कहीं ना कहीं 26,000 रुपीस के प्राइस सेगमेंट में देखने को मिल सकता था। देखा 26,000 रुपीस के प्राइस सेगमेंट में अगर आपको Vivo के फोन पसंद आती तो आप इसे डेफिनेटली कंसिडर कर सकते हो, बट इसी के प्राइस सेगमेंट में आपको Vivo की तरफ से आने वाले बाकी स्मार्टफोन्स देखने को मिल जाते हैं जिनमें आपको परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छी देखने को मिल जाती है, जैसे कि IQ Neo 6। तो भाई परफॉर्मेंस के लिए इस फोन को बाय करना कोई सेंस तो नहीं बनाता है, बट आप सभी क्या कह रहे हैं भाई इस स्मार्टफोन के बारे में मुझे आप कमेंट के थ्रू डेफिनेटली बताइएगा कि आपको ये फोन कैसा लगा एंड क्या आप इस फोन को बाय करना पसंद करोगे या नहीं गेमिंग के लिए। एंड बाकी अब तक अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो भाई क्या कर रहे हो, आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, मुझे फॉलो करना बिल्कुल भी मत भूलना। एंड अगेन आपको Vivo S16 सीरीज में आने वाले बाकी स्मार्टफोन्स की गेमिंग रिव्यू के बारे में जानना है तो आप मेरी इन दोनों वीडियोस को भी डेफिनेटली चेकआउट कर सकते हो। तो गाइस फिलहाल के लिए इस वीडियो में बस इतना ही था, मैं मिलता हूं आपको अपने अगले वीडियो में, टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।